गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो अच्छी हूँ, फिट हूँ, तंदुरुस्त हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। और ये देखिए कितना प्यारा सा फूल खिला है ना, बड़ा ही अच्छा लग रहा था, तो आज मैंने आप सभी को दिखा दिया थोड़ा सा। और अभी तो गर्मी का मौसम आ गया है, अभी सारे मतलब पौधे हरे भरे रहेंगे और बहुत अच्छा अच्छा सा फूल भी खिलेगा। ठंडी के मौसम में थोड़ी दिक्कत होती है, ठंडी के मौसम में मतलब नहीं खिलते हैं, और सभी के यहाँ ऐसा होता है, मतलब हर जगह तो नहीं होता है, लेकिन जो मतलब जैसे घर में पौधे लगे होते हैं ना, तो उसमें दिक्कत होती है, तो इसलिए। और इस बार मैंने बहुत अच्छा अच्छा सा पौधा लगाया हुआ है, देखिए जब उग जाएगा फिर आप सभी को दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे क्या हो रही है आजकल, सभी घरों में यही हो रहा है कि कॉपी आ रहा है, बुक आ रहा है, एडमिशन हो रहा है, कबर चढ़ाया जा रहा है, यही सब हो रहा है, सभी व्यस्त हैं बिल्कुल, जो कि मेरा भी काम है, तो इसलिए। और ये मतलब काफ़ी पहले की है वीडियो, लेकिन अभी मैं इसको एडिटिंग कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा पहले की नहीं है, लेकिन अभी मतलब इसी हफ्ते की है, लेकिन अभी हम एडिटिंग कर रहे हैं। एडिटिंग करने का टाइम नहीं होता, इस वजह से वीडियो लेट हो जाती है, तो बस। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, हद से ज़्यादा बोल सकते हैं। अभी अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में ही इतनी गर्मी पड़ रही है, आगे क्या होगा भगवान जाने, कुछ पता नहीं है। तो अभी मेरा नया फ़ोन जो है आ गया है, तो मैं डेली के डेली अच्छी अच्छी वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूंगी। अभी तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरा मतलब आईडी ही नहीं लॉगिन था न्यू वाले फ़ोन में, इसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि जब भी आया तो उस दिन नहीं कर पाए, और उसके दूसरे दिन सोचा कि अब लॉगिन कर लेंगे, फिर नहीं कर पाई। मतलब हो जाता है ना ऐसे ऐसे, कुछ काम आ जाते हैं कि नहीं कर पाते, तो इसी वजह से रह जाता है। तो कोई बात नहीं है, करेंगे अब तो करेंगे डेली, और डेली मैं सोचती हूँ, लेकिन मेरा मतलब बोलती तो हूँ लेकिन हो कहाँ पाता है, बस कुछ ऐसे काम आते रहते हैं, फिर उसमें फंस जाते हैं, फिर नहीं हो पाता। तो ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ नहीं, सभी के साथ होता है। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं तो अच्छी हूँ, बोलना कुछ और होता है, बोलती कुछ और हूँ। नमन बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी बुक के साथ, सबसे पहले यही अपना देख रहे थे कि इस बार कितना आया है, क्या आया है, कैसा है। बच्चों का होता है ना, जब नई नई मतलब बुक आती है, नया एडमिशन होता है, तो बहुत खुश होते हैं, मतलब जब न्यू क्लास में जाते हैं। और इसके बाद धीरे धीरे करके जब वही मतलब हो जाता है, एक दो महीना बीत जाता है, फिर जो है वही हो जाता है। लेकिन ऐसा मतलब नहीं है मेरे बच्चे के साथ, ऐसा नहीं है कि हाँ कोई बहाना ढूंढे कि हमको स्कूल नहीं जाना है या क्या है। बड़े ही आराम से, जब से इनका एडमिशन हुआ ना, ये छोटे थे तो जब एडमिशन हो रहा था तभी सब लोग डर रहे थे कि पता नहीं ये जाएगा कि नहीं, ये मतलब रोएगा, क्योंकि बहुत छोटे थे, 3 साल के भी नहीं थे जब इनका एडमिशन हुआ था ये। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ बुक इनकी कितने कितने की है, ऐसी ही आती है सारी बुक। इसमें एक दो बुक ऐसी थी जो सस्ती थी, बाकी नहीं। और स्कूल अच्छा है जिसमें पढ़ते हैं, तो ये जब छोटा था एडमिशन हुआ तो सब सोच रहे थे कि मतलब जाते वक्त रोएगा, क्योंकि 3 साल का भी नहीं था, तो इसलिए। लेकिन ये बड़े शौक से जाते थे, बड़े खुशी जाते थे, मतलब जिस दिन सब लोग एडमिशन करवा के आए उस दिन सोच रहे थे कि अभी रोएंगे और इसके बाद जाके ले आए, तो मतलब कुछ नहीं, मस्त होके खेल रहे थे। और अगले दिन सोचा जा रहा था कि इनको उठाएं, ये अपने आप उठ के बोल रहा है कि मुझे स्कूल छोड़ो, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो मतलब आप क्या करेंगे, आप तो इनको पता हो गया कि हाँ भाई नहीं जाऊँगा तो मेरा होमवर्क ज़्यादा होगा या स्कूल में पनिशमेंट मिलेगी, तो जब छोटे थे तब नहीं कुछ जिद किए, तो अब क्या करेंगे, बड़े आराम से जाते हैं, कोई बात नहीं है। और अभी मौसम ऐसा चल रहा है ना कि बिल्कुल बाहर निकलने का मन नहीं करता, बाहर एकदम भयंकर वाली गर्मी होती है, धूप बहुत तेज़ होता है, लेकिन फिर भी जाना तो है ना, चाहे किसी काम के लिए नहीं जाएं, लेकिन स्कूल हमें जाना है, और बहुत सारे काम होते हैं, जाना पड़ता है, तो कोई बात नहीं है, देखते हैं जो भी होता है। तो आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस ये मेरे फ़ोन में वीडियो थी, तो आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। अब फ़ोन मेरा नया वाला आ गया है, तो मैं अब लगातार वीडियो डालती रहूँगी,
और पता है जब मतलब पुराने फ़ोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड करती थी ना, तब बड़ा ही अजीब सा लगता था, ये उसी फ़ोन का है। तो जब उसमें मतलब वीडियो रिकॉर्ड करते थे, मुझे ही नहीं अच्छा लगता था, तो मैं क्या अपलोड करती, एडिटिंग करती, वो भी टाइम बर्बाद होता। फिर कई बार ऐसा किया, अभी वीडियो रिकॉर्ड किया, एडिटिंग किया, इसके बाद अपलोड ही नहीं किया, छोड़ दिया उसको, ऐसे डिलीट कर दिया, क्योंकि कैमरा सही नहीं है। अब मेरा फ़ोन बहुत पुराना हो गया था और मैं फ़ोन की इतनी शौकीन नहीं हूँ कि भाई फ़ोन मेरा पुराना हो रहा है तो मैं फ़ोन ले लूँ। नहीं, फ़ोन ज़रूरत के लिए होती है, शौक़ के लिए नहीं। लेकिन ऐसे मेरे घर में है लोग जो मतलब कि जिनको फ़ोन शौक़ से रखते, मतलब फ़ोन ख़रीदते हैं तो जैसे हीरा जवाहरात ख़रीदते हैं ना कि इसको और भारी ले लिया जाए तो काम आ जाएगा, तो उसी तरीके से हमारे घर में है कि फ़ोन ढूंढते हैं, भाई फ़ोन मतलब अच्छा से अच्छा होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं, मुझे ऐसा कोई वो नहीं है, और हमें फ़ोन ऐसा होना चाहिए बस मेरा काम चलता रहे। तो इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज थी, सोच रही थी कौन सा लें क्या लें, बस क्योंकि मुझे कैमरा चाहिए था बढ़िया, क्योंकि कैमरा ही मतलब कैमरे का ही काम है, तो इसलिए। तो अभी तो आ गया मेरा फ़ोन, अब मैं लगातार वीडियो डालती रहूँगी और खूब सारा मेहनत करना है, क्योंकि काफ़ी दिन से समझ लीजिए दिसंबर से ही चैनल पे बहुत लापरवाही हम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी मुझे करना है सब मेहनत से बढ़िया से। और कोई भी काम हम करते हैं तो उसको पूरे दिल से करना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, लापरवाही करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी काम से जब हम ब्रेक ले लेते हैं तो फिर वही होता है कि फिर अगले दिन फिर वही होता है, आलस लगता है। और जब रूटीन हो जाएगा कि हमको डेली वीडियो डालनी है, तो फिर अपने आप से वीडियो बनती रहेगी। और वही जब कुछ दिन रुक जाओ, फिर समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। तो बस देखिए धूप कितनी तेज़ वाली है और आके यहाँ बैठ गया। अभी मुझे मेरा नया फ़ोन है ना, तो पुराने फ़ोन की ये वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही मुझे, और लेकिन अपलोड कर दिया, कोई बात नहीं, कल से करेंगे अपने नए फ़ोन से तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए गाइस, अगर ज़रा भी वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं बाहर कहीं जाती नहीं हूँ, घर की जो भी होती है आप सभी के साथ मैं शेयर करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आता है और पसंद भी आता है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो सपोर्ट करते हैं, तो थैंक यू सो मच, बस इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, और क्या चाहिए, है ना। बस मुझे काम करना है मेहनत से, बहुत लापरवाही कर दिया मैंने चैनल पे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब नहीं, अब मैं एकदम से एक्टिव हो जाऊँगी और समय से लाइव, समय से वीडियो सब करूँगी मैं, तो देखते हैं। चलो मिलती हूँ मैं आप लोगों से किसी न्यू वीडियो में। और कुछ और बोलना था, मैं भूल गई क्या बोलना था, भूल जाती हूँ बहुत जल्दी, मैं भुलक्कड़ इंसान हूँ, मुझे समझ नहीं आता, मैं बोलना कुछ और होता है, बोलती कुछ और हूँ, बहुत सारा बोलने में गलतियाँ करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और मेरा फ़ोन ख़राब होना तो बहुत सारा मेरा नुकसान हुआ, मेरा जो प्रिया की दुनिया है चैनल, वो मेरा मतलब लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसका क्या करूँ। किसी को अगर आइडिया है कि कैसे ओपन होगा तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर देखते हैं क्या ही बोलें, और इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ पता नहीं है मैं क्या करूं। मैंने काफ़ी मतलब कोशिश की लेकिन नहीं खुल रहा है मेरा वो चैनल, और काफ़ी 2 महीने हो गए उस पर बिल्कुल भी मैंने वीडियो नहीं डाला है। जब मेरे चैनल मेरे फ़ोन में लॉगिन ही नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं, मेरा फ़ोन फॉर्मेट करना पड़ा और उसी में मेरा चैनल इधर से उधर हो गया, अभी नहीं खुल रहा है। तो अगर आप सभी के पास कोई आइडिया हो तो मुझे बताइए कैसे मेरा चैनल खुलेगा, ठीक है। तो चलो अभी के लिए बाय बाय, मिलते किसी न्यू वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल फ्रेंड।